Hey everyone, welcome once again to my channel, and in today's video I'm going to share my most favorite hair mask that I do almost like once every month, and it gives fantastic results. Mere hair kabhi bhi agar if I feel ki thoda se bhi dull lag rahe hain to I use this hair mask, and isse jo effect aata hai that is almost unparalleled to any other thing that I can do. To once a month I do henna in my hair, or maybe agar zyada bhi kar lete hain, and then I do this hair mask. And I have some 4 or 5 hair masks other than these ones that I keep on doing, and I love the effect. और ये वाला जो hair mask है ये बहुत ही, इसका जो result है वो बहुत awesome है. और इसमें जो ingredient use करे हैं that वो easily available होंगे सबके घरों में mostly. And also अगर आपको ये देखना है कि वो each and every जो उसमें मैंने ingredient use करा है वो hair को किस तरीके से effect करता है, क्या फ़ायदा करता है, so आप लोग description box में देख सकते हैं. आई एम गोइंग टू राइट एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऑल द बेनिफिट्स ऑफ ईच एंड एवरी जो इंग्रेडिएंट यूज़ करा है वो. तो इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो आई विल शो यू कि हाउ टू मेक दिस हेयर मास्क, आप किस तरीके से बना सकते हैं, एंड देन जस्ट पुट इट लाइक एनी अदर हेयर मास्क, जैसे भी आप यूज़ करते हैं किसी भी हेयर मास्क को, एंड यू हैव टू जस्ट आप हेयर पर रखिए अपने हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स तक आप रख सकते हैं, एंड देन उसके बाद यू कैन वॉश इट ऑफ विद एनी शैम्पू दैट यू लाइक. एंड प्रिफर करें कि आप ऐसा शैम्पू ना यूज़ करें जिसमें ज़्यादा केमिकल्स हों, तो दैट इज़ मोस्टली गुड फॉर हेयर. एंड इस जो हेयर मास्क है इसको कुछ लोगों को ये लगता है कि निकालने में उनको थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप निकालने की जो फाइबर्स हैं उसको कोशिश ना करें. यू जस्ट लेट द हेयर ड्राई, और उसके बाद अपने आप जो क्योंकि इसमें बनाना यूज़ करा है तो बनाना के जो फाइबर होते हैं वो अगर आप हेयर को ड्राई होने दें तो अपने आप दे कम आउट, कोई भी दिक्कत नहीं होती है. सो द ओनली सोल्यूशन इज़ कि आप लेट द हेयर ड्राई, अपने आप वो सारे जो छोटे छोटे फाइबर रह जाते हैं वो निकल आए. लेट्स सी हाउ आई मेक दिस हेयर मास्क, एंड ऑल द इंग्रेडिएंट्स विल बी देयर, एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. सबसे पहले ये जो 4 इंग्रेडिएंट हैं उसको हम लोग ब्लेंडर में ब्लेंड करके उसका एक पेस्ट जैसा बना लेंगे. तो उसमें सबसे पहले है ये बनाना, तो ज़रूरी नहीं आपका बनाना बहुत अच्छा हो, थोड़ा सा ऐसा ब्लैक भी हो तो भी चलेगा. एंड दूसरा इंग्रेडिएंट है करी पत्ता, एंड थर्ड ये है अनियन जो है वो आप एक अनियन अपने बालों की लेंथ के हिसाब से आप कर सकते हैं, और इसमें है ये अदरक और लहसुन. तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको पहले हम लोग ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे. तो जस्ट ये सारी चीज़ें आप डाल दें मिक्सी के जार में और उसको ब्लेंड कर लें. और इसका जब पेस्ट बन जाएगा तो उसके बाद हम लोग कुछ और इंग्रेडिएंट जो हैं वो ऐड करेंगे. तो ये जो पेस्ट बनाया था जो बनाना और लहसुन और प्याज इन सारी चीज़ों का था, तो ये ऐसा पेस्ट बनाया है, उसमें करी पत्ता था इसलिए ये थोड़ा ग्रीनिश कलर है. अब इसके बाद जो चीज़ें इसमें ऐड करेंगे वो है हनी, तो शहद जो है वो आप ऐड कर लें. मैंने लिया है 1 टीस्पून, आपको जितना ठीक लगे आप उतना ले सकते हैं, 1 टीस्पून अनफ रहता है, तो आप वो ऐड कर लें पहले उसमें. एंड उसके बाद एक पूरा एग है और उसको पूरा का पूरा एग डाल देंगे. फिर ये जो मैंने लिया है वो है आंवला पाउडर, और आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने पतंजलि का जो आंवला पाउडर जो खाने का होता है वो यूज़ किया है, तो उसको डाल दीजिए पूरा, ये 1 टीस्पून है. एंड उसके बाद मैंने लिया है भृंगराज पाउडर, ये भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, और इन सारे इंग्रेडिएंट का जो बेनिफिट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको फिर बस आप ऐड कर लीजिए. तो भाई सारी चीज़ें ऐड करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि इसमें आंवला और भृंगराज भी मिक्स करा है तो इसलिए थोड़ा ब्लैकिश कलर हो जाएगा. एंड देन उसके बाद आप जैसे भी कोई भी हेयर मास्क अपने बालों में लगाते हैं वैसे लगा लीजिए, हाफ एन आवर तक एटलीस्ट रख. सो दिस इज़ द हेयर मास्क. आई होप आप लोगों के पास सारे इंग्रेडिएंट बहुत इजीली अवेलेबल होंगे, और कुछ भी अगर एक दो चीज़ अगर आपको नहीं मिलती है तो आप कुछ और भी मिक्स कर सकते हैं उसमें. दिस इज़ ये फ़ायदा होता है कि ये होम मेड हेयर मास्क का, कि आपको अगर कुछ नहीं है तो आप कुछ और भी मिक्स कर सकते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शन.
जो आप उसमें मिक्स कर सकते हैं इफ़ यू डोंट हैव व्हाट आई मिक्स्ड विद इट. तो आप इस हेयर मास्क को लगा के देखिएगा. एंड ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू सी कि उसका जो इफ़ेक्ट है वो क्या है, एक्चुअली जो शाइन है हेयर की वो बहुत बड़ा देता है. तो आई एम फॉर्चुनेटली आई एम सिटिंग इन अ प्लेस जहाँ पे थोड़ा सा धूप आ रही है, तो आई विल शो यू गाइस कि जो इफ़ेक्ट है वो कैसा है. तो ये दिस यू कैन सी यू नो द इफ़ेक्ट ऑफ जो धूप का इफ़ेक्ट है हेयर में. तो यू कैन सी कि उसकी शाइन जो है हेयर की कितनी अच्छी हो जाती है. सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग. इससे जो शाइन है और जो हेयर सिल्की हो जाते हैं इस हेयर मास्क से वो किसी से नहीं होते. तो दिस इज़ द बेस्ट हेयर. दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू गाइस कैन आस्क मी, जस्ट सिंपली आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए एंड आई विल रिप्लाई टू यू गाइस. सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे. बाय गाइस.